हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर ये बताया कि एरर मैन को हम कैसे वापस ला सकते हैं। उसके लिए मैंने ऐसे चार तरीके बताए थे जिससे हमारा एरर मैन वापस आ सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसे लोग जो कि हमारे एरर मैन को रिप्लेस कर सकते हैं एमसीयू के अंदर। वैसे तो अपने रियल आरडीजे को एज एरर मैन कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एमसीयू के अंदर तो उन्हें रिप्लेस होना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो वो वापस आने नहीं वाले। तो इसी बारे में ऐसे मैं चार लोग बताने वाला हूँ जो कि एरर मैन को रिप्लेस कर सकते हैं एमसीयू के अंदर। तो अगर आपको भी जानना है वो कौन है तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो अपने आयरन मैन को रिप्लेस करने के लिए उनके पास सैक्रिफाइस करने के लिए पावर होनी चाहिए, मतलब उनके अंदर इतना दम हो कि वो सैक्रिफाइस कर दे कभी भी अगर जरूरत पड़े तो। तो पहले नंबर पे आता है हमारा रोडी। कुछ लोग कहेंगे यार ये कहां से आ गया, ये तो वॉर मशीन। हां गाइस, ये वॉर मशीन है, लेकिन और ये हमारे आयरन मैन का दोस्त भी था जो कि उसके साथ रह रहे थे। इसके अंदर भी थोड़ी बहुत वैसी आदतें आ गई थी। हां, ये ज्यादा जीनियस नहीं है, लेकिन ये एक सोल्जर था जिसके अंदर अदर सोल्जर्स को लीड करता था, और सोल्जर होने के कारण इसके अंदर सैक्रिफाइस की भी पावर है जो कि हमारे आयरन मैन के अंदर भी थी। थोड़ी बहुत लीडरशिप की भी क्वालिटी चाहिए जो कि इसके अंदर है क्योंकि ये सोल्जर है तो अदर सोल्जर्स को लीड करता था। तो इस मारे ये आयरन मैन को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन एमसीयू के अंदर बहुत ही कम चांस है कि ये आयरन मैन को रिप्लेस करेगा। वैसे अगर एमसीयू वाले चाहे तो रोडी जो है इसके लिए वर्दी है। नंबर पे आता है हमारा हार्ली। ये वही बच्चा है जो हमें आयरन मैन 3 के अंदर दिखाया गया था और एवेंजर्स एंड गेम के अंदर टोनी के फ्यूनरल पे दिखाया गया था। तो ये भी जीनियस था क्योंकि इन टोनी की बहुत ही ज्यादा हेल्प करी थी और इन्हें कबाड़े से ये कंप्यूटर और उससे रिलेटेड कुछ चीजें बना रखी थी जो कि टोनी ने उसे यूज करके अपने सूट को चार्ज किया था। और इसने टोनी को उसके दुश्मन से जीतने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करी थी, जैसे कि उसका सूट चार्ज करा था और टोनी को कुछ और बातें भी बताई थी जिससे पता लगता है कि ये भी थोड़ा बहुत जीनियस है और आयरन मैन को रिप्लेस कर सकता है। और बीच में भी रूमर्स उड़े थे जब ये एवेंजर्स एंडगेम के अंदर टोनी के फ्यूनरल पे लिखा था, तो लोगों ने सोचा अब अगला आयरन मैन यही है। तो एमसीयू के अंदर हो सकता है कि अगला आयरन मैन ये बने। जब आती है हमारी रीरी विलियम्स या फिर कहें आयरन हार्ट। एमसीयू के अंदर तो आयरन हार्ट की एक वेब सीरीज भी आने वाली है जिससे ये कंफर्म तो हो जाता है कि आयरन हार्ट जो है आयरन मैन की जगह लेगी। लेकिन फिर भी कुछ अता पता है नहीं एमसीयू वालों का कि वो इसको अलग रख दें और एक नया आयरन मैन लेकर आ जाए जो कि इसका सूट दिखाया गया था और ये हमें दिखाई भी गई थी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर कि ये इतनी जीनियस है कि इनने खुद से ही आयरन हार्ट का सूट बना लिया था। और इसके अंदर भी लीडरशिप और सैक्रिफाइस करने की क्वालिटी है जिससे ये आयरन मैन बनने के लायक है, वर्दी है। एमसीयू वाले ये भी कर सकते हैं कि आयरन हार्ट को अलग चीज बना दे और आयरन मैन को अलग, क्योंकि आयरन मैन की फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही है और वो किसी लड़की को एज आयरन हार्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि वो इसका सूट चेंज करके इसको ही आयरन मैन बता दे और कहें कि यही हमारी आयरन मैन है अगली। चौथे नंबर पे आता हमारा पिट्ठू पार्कर यानी पीटर पार्कर स्पाइडरमैन, जिसको तो अब सब लोग भूल चुके हैं, जिनने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर दिया लोगों को बचाने के लिए। तो सोचो इसके अंदर तो जैसे कि हमारा आयरन मैन कभी भी तैयार हो जाता था अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने के लिए या कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए, वैसे इनने भी वैसे ये भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर चुका है और हमेशा तैयार रहता है कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए, जैसे इनने अपनी आइडेंटिटी मिटवा ली पूरी दुनिया के अंदर से। तो हमारा पिट्ठू पार्कर पूरी तरह से वर्दी है आयरन मैन को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन एमसीयू वाले इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। लेकिन एमसीयू के अंदर ऐसा होने के चांस बहुत कम ही है क्योंकि हमारा स्पाइडरमैन है और एमसीयू वाले कभी स्पाइडरमैन को आयरन मैन नहीं बनाने वाले, लेकिन अगर वो चाहे तो ये कर सकते हैं। ये थे ऐसे चार लोग जो कि हमारे आयरन मैन को रिप्लेस कर सकते हैं एमसीयू के अंदर, अगर एमसीयू वाले चाहे तो। और आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में तो मुझे कमेंट करके बता देना, और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।